Assalamualaikum guys, find करते हैं d y by dx from first principle. So first principle से कहे, by definition से कहे या by ab initio से कहे, इन आपने तीनों में same ही काम करना है. वो चार steps हैं, पहले वो complete करने हैं. कौन से four steps हैं, start करते हैं. तो जो भी आपके पास question में expression होगी, तो start में आपने first चीज करनी है. Steps भी start करने से पहले आप लोगों ने इसको equal कर देना है, let कर देना है y की 1 divided by x plus a whole under root. और जो भी रेडिकल साइन के साथ नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा होगा, इसको आपने पावर के साथ ऊपर लेके आके और जो भी इसकी पावर होगी वो आपने लिख देना है. तो नीचे आपके पास पावर क्या बन रही है, x plus a 1 by 2 बन रही है. रेडिकल साइन को मींस पावर में लिखेंगे तो 1 by 2 आएगा. तो जो ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या आएगी, माइनस 1 by 2. तो ये स्टार्ट में ही आप लोगों ने काम कर लिया. तो ये आ जाएगा x plus a होल पावर आ जाएगी माइनस 1 by 2. और इसको हम लेबल कर देंगे, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो अब स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप. तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास टेकिंग इंक्रीमेंट बोथ साइड्स. तो बोथ साइड्स इंक्रीमेंट ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के. तो लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे x है तो याद रखिएगा x प्लस डेल्टा x प्लस a होल की पावर आ जाएगी माइनस 1 बाय 2. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 2. तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सो जब भी दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से होगी. ठीक है, इनको आपने देखना है. तो y y से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग चीज आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y. और राइट हैंड साइड में पहले आप ये लिखोगे, देन ये लिखोगे. और इसमें एक काम करना है, जब आप इनको लिख रहे होगे, सबट्रैक्ट कर रहे होगे, तो x और a को आपने अरेंज करके यहां पे पहले लिख देना. ये क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा. तो x और a इसको मैं एक साथ करके लिख दूंगा, x plus a छोटी सी यहां पे ब्रैकेट लगा दो प्लस डेल्टा x, और आपके पास ये मेन पावर मेन ब्रैकेट आ जाएगी आपके पास माइनस 1 बाय 2 वाले. और माइनस करके आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड वो यहां पे लिख देना है, आ जाएगा x plus a की होल पावर माइनस 1 बाय 2. सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 फिनिश. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x बोथ साइड्स. So both sides को हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y by डेल्टा x is equals to x plus a plus डेल्टा x होल पावर आ जाएगी minus 1 by 2 minus x plus a होल पावर minus 1 by 2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास डेल्टा x. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 4th की तरफ. तो स्टेप नंबर 4th हमारे पास क्या आएगा, taking limit. तो limit हमारे पास कौन सी होगी, delta x approaches to 0 both sides. So यहाँ पे आ जाएगा आपके पास limit delta x approaches to 0 delta y divided by delta x is equals to limit delta x approaches to 0. और ये जो नीचे आपके पास delta x पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे separate करके 1 by delta x करके separate कर लूँगा, because आगे जाके मुझे यहाँ पे common लेने के बाद binomial expansion लगानी होगी इसी वजह से. So बाकी जो रिमेनिंग आपके पास अंदर चीज रहेगी वो आ जाएगी x plus a small brackets plus delta x, ये आपके पास once again bracket minus 1 by 2 minus x plus a की power minus 1 by 2 और ये आ जाएगी bracket close. So ये थे हमारे 4 steps. अब चलते हैं इसकी simplification की. सिंपलीफिकेशन में अब सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, dy by dx जो कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू बाकी आपके पास यहां पे राइट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय, बल्कि अब 1 नहीं लिखेंगे यहां पे, अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, ये इसी वजह से मैंने स्टार्ट में सेपरेट कर दिया था x plus a स्मॉल ब्रैकेट करके अरेंज करके लिख दिया था. तो x plus a आपके पास आ जाएगा कॉमन विद पावर माइनस 1 बाय 2. तो ये आ जाएगा x plus a की होल पावर माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और बाकी जो रिमेनिंग अंदर चीज रह जाएगी तो ये आ जाएगा यहां पे 1 प्लस
डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, ये आपके पास होल माइनस वन बाय टू पावर आ जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पे हमारे पास रह जाएगा माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे हमारे पास लग जाएगा बायनॉमियल एक्सपेंशन, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सपेंशन वी हैव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस ए की होल पावर माइनस वन बाय टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और अंदर से हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पे जब इस पे बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास वन प्लस, बायनॉमियल एक्सपेंशन हमें इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो वन प्लस, मैं इसकी जनरल फॉर्म में बायनॉमियल एक्सपेंशन की बोलूंगा, ठीक है, लेकिन लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। सो वन प्लस एन x, तो n आपके पास क्या होता है, पावर होती है वन बाय माइनस वन बाय टू। एक्स आपके पास क्या होता है, वो आपके पास x की जगह यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस n इंटू एन माइनस वन। एन हमारे पास पावर होती है, तो ये आ जाएगा वन बाय टू माइनस वन बाय टू, तो माइनस एन माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वेयर। तो एक्स की जगह क्या पड़ा हुआ है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर अप टू सो ऑन, स्क्वेयर टर्म्स तक आपने जाना है, और लास्ट में आ जाएगा इस माइनस वन को नहीं बोलना, ये आ जाएगा माइनस वन। अब ये जो वन है इस वन को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों कॉमन ले रहे हैं, बेसिकली हम लोगों ने बायनॉमियल एक्सपेंशन इसी वजह से लगाया था, ताकि ये जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स पड़ा है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकें, इसको एलिमिनेट कर सकें। तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस ए की होल पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो बाकी रिमेनिंग अंदर चीज हमारे पास क्या रहती है, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स प्लस ए प्लस, और इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी आपके पास शॉर्टली सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो, बिकॉज ये सारे ने जीरो हो जाना है, माइनस थ्री बाय टू डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल टू ही होता है आपके पास। डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर में पड़ा हुआ है, तो आपके पास एक डेल्टा एक्स रह जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में जो वन था वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपके पास ये जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा। तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी वो आप देख लेते हैं आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, बिकॉज हम लोगों ने हम लिमिट अभी तक इसीलिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट मींस टू से जहां जहां भी डेल्टा एक्स है वहां पे अपने जीरो पुट करना है, तो समथिंग ओवर जीरो हमारे पास होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं की थी। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन भी इसीलिए लगाया था कि अंदर से हम डेल्टा एक्स किसी तरह कॉमन ले सके और इसको कैंसिल आउट कर सके। अब एलिमिनेट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट वी हैव, अब जब लिमिट अप्लाई करने जा रहे हो तो आप लोगों ने लिमिट नहीं लिखनी, ठीक है, बिकॉज अभी यहां पे अप्लाई होने जा रही है, इज इक्वल टू, तो जहां जहां पे आपके पास डेल्टा एक्स आएगा वहां पे आप लोगों ने पुट कर देना है जीरो। तो एक्स प्लस ए की होल पावर माइनस वन बाय टू ब्रैकेट्स में आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस ए स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और आप यहां पे जीरो पुट करोगे माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, नीचे आ जाएगा आपके पास टू, और यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो लिमिट क्या थी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मींस उसे जहां जहां डेल्टा एक्स आएगा वहां पे आपने जीरो पुट कर देना है, और प्लस अप टू सो ऑन। तो जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो रही है आ जाएगा रिजल्ट जीरो, और जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो सारा रिजल्ट आ जाएगा जीरो के इक्वल, इट मीन्स उसे ये सारा का सारा हो गया इक्वल टू जीरो, और अप टू सो ऑन आगे जितनी भी टर्म्स है वो भी होगी जीरो। सो रिमेनिंग चीज हमारे पास जस्ट ये रह जाएगी, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फाइनलाइज करके इसका जो रिजल्ट है वो लिख देना है। तो आपके पास ये ब्रैकेट्स को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए की पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन वन होगी, और ये आपके पास माइनस वन बाय टू, तो ये माइनस वन बाय टू जब नीचे जाएगी तो ये प्लस वन बाय टू बन जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स प्लस ए होल पावर वन प्लस वन बाय टू, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3 बाय 2, तो ये आपके पास आ गया इसका फाइनलाइज रिजल्ट।
सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन स्टिल अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, बायनॉमियल एक्सपेंशन में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करता जाऊंगा साथ साथ इंशाल्लाह। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।